ध्यान ना देवा विकास के काम पर तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर लड़ जाएगा। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी, अक्षरा सिंह से मैं दिखाना चाहता हूँ कि नली गली तो रोड सड़क कहीं बनाए नहीं। थोड़ा सा आइए, थोड़ा इसको हम देखते हैं कि क्या समस्या है। अभी देखिए कि ये भी एगो समस्या है, यानी कि अब इस गांव में हमको जाने के लिए बहुत मुशक्कत करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ काम करेंगे। हमारी गाड़ी तो फंस गई, ये अवैध ब्रेकर है, आप देख सकते हैं कि अब गाड़ी हमारी यहाँ पर फंस गई। अब हम कैसे जाएं, कैसे निकले, हम मुझे मालूम नहीं है। बताइए, अब इतना नीचे ब्रेकर लगाया गया, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी रोड तो नली गली कहीं तो बनाए नहीं, और जो रोड बना हुआ है यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना मोदी जी के बनाए हुआ रोड, अभी रोड में लगा दिया गया है अवैध बैरियर। पवन सिंह के खिलाफ अक्षरा सिंह आ रही है चुनाव प्रचार करने, बहुत उनका धन्यवाद, बहुत बहुत उनका सम्मान मैं करता हूँ। लेकिन अक्षरा सिंह जी से हमारा एक सवाल है, और ये पवन सिंह जी के लिए भी वीडियो है, क्या पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने में खिलाफ अगर अक्षरा सिंह शामिल हो रही है, क्या अक्षरा सिंह सक्सेस हो जाएंगी? क्या अक्षरा सिंह मोदी जी के नाम पर वोट मांग के उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिता देंगी? अगर जिता देते हैं तो कोई बात नहीं है, मोदी जी के नाम पर लोग यहाँ पर वोट देंगे। अभी मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से नहरी इलाका में घुसा हूँ, यानी रास्ता कहाँ लेके जाते हैं, इन्हीं का टीका हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना है। अक्षरा सिंह जी से एक सवाल है कि अगर पैसा लेकर उपेंद्र कुशवाहा से प्रचार के लिए आती है तो आपका धन्यवाद है, आप आइए चुनाव प्रचार कीजिए उपेंद्र कुशवाहा का। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के लिए यहाँ पे लोग मूड बनाए हुए हैं, वोट भैया लोग पवन सिंह को देने के मूड में। अब उपेंद्र कुशवाहा को लोग क्यों नहीं वोट देंगे? उपेंद्र कुशवाहा जब से काराकाट के लोकसभा सांसद बने, तब से काराकाट लोकसभा क्षेत्र को इतना समस्या में डाल दिए हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अब अंदाजा इसलिए नहीं है, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, यहाँ के जनता बोल रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा एक भी नली गली, एक भी सड़क, एक भी किसी का मकान नहीं बनाए है। स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीर मैं दिखाऊंगा, देख सकते हैं, यही झोपड़ी नुमा खुशनुमा मकान है, ये गरीबों का मकान है। और थोड़ा एक समस्या आपको मैं और दिखाना चाहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए लोग वोट मांगेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कब तक वोट मांगवा, मोदी जी के वोट नाम पर मुझे वोट मिल जाएगा। पवन सिंह वही बात को बोलते हैं कि कब तक वोट मांगवा मोदी जी के नाम पर। अब देखिए, अरे तो ब्रेकर लग गया यार, ब्रेक करना होगा का जी, लड़ जाएगा करना होगा। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी, अक्षरा सिंह से मैं दिखाना चाहता हूँ कि नली गली तो रोड सड़क कहीं बनाए नहीं, थोड़ा सा आइए, थोड़ा इसको हम देखते हैं कि क्या समस्या है। अभी देखिए कि ये भी एगो समस्या है, यानी कि अब इस गांव में हमको जाने के लिए बहुत मुशक्कत करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ काम करेंगे। हमारी गाड़ी तो फंस गई, ये अवैध ब्रेकर है, आप देख सकते हैं कि अब गाड़ी हमारी यहाँ पर फंस गई। अब हम कैसे जाएं, कैसे निकले, हम मुझे मालूम नहीं है, बताइए। अब इतना नीचे ब्रेकर लगाया गया, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी रोड तो नली गली कहीं तो बनाए नहीं, और जो रोड बना हुआ है यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना मोदी जी के बनाए हुआ रोड, अभी रोड में लगा दिया गया है अवैध बैरियर। बैरियर कम से कम 8 फीट हाइट ऊंचा रहता। ये सवाल हमारे अक्षरा सिंह जी से है कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगने आएंगे उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिताने के लिए आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा से कभी बात आप नहीं करती है कि अवैध ब्रेकर वहां पर लगा हुआ है, वहां पर अवैध बैरियर लगाया हुआ है, कैसे आपके लिए मैं वोट मांगूंगी? अगर आप पैसे के लिए, पैसे पर आ रही हैं उपेंद्र कुशवाहा का प्रचार प्रमोशन करने के लिए तो कोई बात नहीं है। और पवन सिंह के खिलाफ में सुन रहे हैं कि चुनाव प्रचार आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति अपना अपना विषय होता है। लेकिन अक्षरा मैडम, हम तो यही आपको दिखाएंगे कि मैडम कम से कम आप भी अगर उपेंद्र कुशवाहा चाहे मोदी जी के पास सिंपत्तियां पहुंचा दीजिएगा ना, तो बड़ा बढ़िया रहेगा मैडम। इसलिए कि आप हमारी इंडस्ट्री के बहुत अच्छी कलाकार है, ठीक है, कलाकारी कीजिए, कलाकारी के साथ साथ राजनीति भी आप कर रहे हैं, राजनीति भी करना चाहिए, लेकिन राजनीति के साथ साथ मोदी जी को जरूर दिखाइएगा मैडम आप। इसलिए मोदी जी को दिखाइएगा, ये मोदी जी का विकास है, यही आपका अवैध बैरियर है। अब अवैध बैरियर इस तरीके का है कि यहाँ के लोग पढ़ने लिखने कैसे जाते हैं होंगे, वो तो भगवान मालिक होगा, हमको तो मालूम नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही होगी। उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते हैं कि मोदी जी के नाम पर हमारा वोट चाहिए, पवन सिंह बोलते हैं कि कब तक वोट मांगवा मोदी जी के नाम पर। सही बात है, कब तक वोट मांगेगा मोदी जी के नाम पर? पहला कामों कीजिएगा तभी ना वोट मिलता है आपको। अब यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं
कि पवन सिंह आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, कौन आएंगे नहीं आएंगे, इस करियर के लिए कौन सोचेगा। इस गांव में तमाम बहुत 40 ऐसे गांव है कि इसी रास्ते से होते हुए गुजरती है, 40 गांव का वोट किसके पाले में जाएगा। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह को हम लोग वोट देंगे, देखिए क्या होता है। हम भी अब गाड़ी बैक करते हैं, हम जाते हैं 8 किलोमीटर दूर से, हम भी घुमाएंगे। यही सब तो हम लोगों का काम बचा हुआ है। अब हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, तब दिखाई दिया ना तो भाई हम भी आपको नहीं दिखाते, ऐसा ऐसा समस्या, यही समस्या है। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट लेते हैं, दिल्ली जाके सांसद भवन में बैठते हैं, क्षेत्र में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई उसका खोल ख्याल नहीं है। थोड़ा दिखा दीजिए कैमरा बना के, देखिए यही है आपका विकास, उपेंद्र कुशवाहा जी और अच्छरा सिंह इनके लिए वोट मांगने आएंगे, लोग वोट देंगे। ठीक है, प्रचार कीजिए, कोई बात नहीं है, प्रचार करना चाहिए, लेकिन प्रचार के साथ साथ अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मोदी जी के नाम पर खाली वोट मांगना पड़ेगा। मोदी जी रोडवे बंद कर दिए हैं, मोदी जी के रोड बंद कर रहा है, इसलिए बंद कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना है, इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ के अधिकारी हैं, जल्दी से उस भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं भ्रष्ट मुक्त बनाते हैं अधिकारियों को? तो आप लोग तो ध्यान देंगे नहीं, बस मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे। कब तक मोदी जी के नाम पर बैतरणी नदी पार होंगे बताइए उपेंद्र कुशवाहा जी? यही सवाल तो आपसे हमारे हैं। और लोग यहाँ के लोग मूड बनाए हुए हैं कि पावर स्टार पवन सिंह को हमको वोट देना है, जो हमारे बैरियर के बारे में सोचेगा मैं उसी को वोट दूंगा। अभी बैरियर कौन खोलवाता है मुझे मालूम नहीं है। चलिए फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हम बड़ी काफी थक गए हैं, इतना हरासमेंट हो गया है न्यूज दिखाते दिखाते कि हम ही जान रहे हैं। फिलहाल इतना ही, और अच्छरा सिंह से भी कहना चाहेंगे कि मोदी जी की जरूरी वाला बैरियर दिखाइएगा। अच्छरा सिंह जी पवन सिंह के चुनाव प्रचार में चुनाव खिलाफ करने आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पवन सिंह के प्रति लोगों का मूड बना हुआ है, मैं देख रहा हूँ, ग्राउंड पर घूम रहा हूँ। आप जरूर मोदी जी को दिखाइएगा युला अवैध ब्रेकर, यही मुद्दा है, और यही मुद्दा पर आपको हो सकता है कि अच्छरा सिंह के नाम पर लोग वोट देंगे। लेकिन ये हम जानते हैं कि बैरियर हटेगा नहीं, इसलिए नहीं हटेगा, कौन लगाया है क्यों लगाया है ये भी मुझे मालूम नहीं है। चलिए बंद कर दीजिए।